उत्तर प्रदेश के सियासी महासंग्राम में दो चरण बीतने के बाद सबकी नजरें बाकी पांच चरणों पर लग गई हैं। इसके लिए प्रचार अभियान जोरों पर है और सभी दल धुआंधार प्रचार में लगे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गुरुवार को कांग्रेस के गढ़ और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। अमित शाह ने न केवल सपा कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोला बल्कि अमेठी का विकास न होने का ठीकरा भी गांधी परिवार पर फोड़ा। यूपी का चुनाव ये परिवारवाद को खत्म करने का चुनाव है, जातिवाद को खत्म करने का चुनाव है। ये दो परिवारों का मिलन नहीं है, ये दो विचारधाराओं का मिलन नहीं है मित्रों, ये दो भ्रष्टाचारी कुंडों का अपवित्र गठबंधन है। बाकी पार्टियों के नेता भी चुनावी समर में खूब पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सीतापुर में थे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज और लखनऊ में थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रायबरेली समेत कई जगहों पर रैलियां करके पार्टी के लिए वोट मांगा। उत्तर प्रदेश में आप अपनी सरकार बनाओ, एक ऐसी सरकार बनाओ जो आपको शक्ति दे, जो आपके साथ आपके सामने खड़े होके आपको सच्चाई बताए। समाजवादी पार्टी समय के हिसाब से चलती है। ये सड़कें अगर बड़ी वाली बनाई हैं, तो मैं समझता हूँ ये देश को उदाहरण मिला है कि सड़कें ऐसी भी बनाई जा सकती हैं, इतने कम समय में सड़कें बनाई जा सकती हैं, और यही रास्ता है खुशहाली का। इस सपा सरकार में प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत या हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी रही है। इस बीच राज्य में पर्चा भरने का काम पूरा हो गया है। शुक्रवार को सातवें चरण के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन था। यूपी में तीसरे चरण का मतदान 19 फरवरी को है। ऐसे में सभी दल चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तीसरे चरण के लिए शुक्रवार को प्रचार का काम खत्म हो जाएगा और जनता रविवार को अपना फैसला सुनाएगी। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।